नमस्कार, मैं हूं निशी शर्मा, स्वागत है आपका जनप्रवाद में। हरनाज संधु ने 21 वर्ष की उम्र में कई पेजेंट खिताब जीतने और कई पंजाबी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। हरनाज कॉलेज के दिनों से ही फैशन कंटेस्टेंट में हिस्सा लेती रही हैं। उन्होंने फेमिना समेत कई अवार्ड जीते हैं। अब उन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर सुष्मिता सेन और लारा दत्ता के बाद तीसरी बार उपलब्धि हासिल की है। आपको बता दें कि 70वां मिस यूनिवर्स पेजेंट 12 दिसंबर को इसराइल में संपन्न हुआ। इसमें हरनाज ने 79 देशों की सुंदरियों को पिछाड़ते हुए मिस यूनिवर्स का ताज पहनकर देश का नाम रोशन किया। हरनाज संधु भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता बनी। इससे पहले 1984 में सुष्मिता सेन भारत की पहली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता बनी थी। वहीं वर्ष 2000 में लारा दत्ता ने यह खिताब जीता था। बता दें कि इस प्रतियोगिता के दौरान सभी प्रतिभागियों से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें उनकी सूझबूझ, धीरज और बुद्धिमत्ता को जजों द्वारा परखा जाता है। टॉप 5 के राउंड में हरनाज से पूछा गया था कि अधिकतर लोग सोचते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक छलावा है, आप उन्हें समझाने के लिए क्या कहेंगी? इस पर हरनाज संधु ने बताया कि उनका दिल टूट जाता है जब वह प्रकृति को देखती हैं कि वह कितनी दिक्कतों से गुजर रही है। संधु ने बताया कि यह सब हमारे गैर जिम्मेदार व्यवहार की नतीजा है। उन्होंने कहा कि पूरी तरह मानती हूँ कि यह समय बातें कम और काम ज़्यादा करने का है, क्योंकि हमारा हर एक कदम प्रकृति को या तो बचा सकता है या नष्ट कर सकता है। उन्होंने कहा कि रोकथाम और सुरक्षा करना पछतावा और मरम्मत करने से ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, मैं आज इसी के लिए आपको राजी करने की कोशिश करती हूँ। प्रतियोगिता के अंतिम राउंड के दौरान तीनों प्रतिभागियों से पूछा गया था कि आप दबाव और सामना कर रही महिलाओं को क्या सलाह देना चाहेंगी। इसके जवाब पर हरनाज संधु ने कहा कि आज के युवा पर सबसे बड़ा दबाव है उनका खुद पर भरोसा करना। उन्हें यह जानना है कि आप अनोखे हो, यह आपको खूबसूरत बनाता है। उन्होंने कहा कि अपने आप को दूसरों से तुलना करना बंद कीजिए और पूरी दुनिया में जो हो रहा है उस पर बात कीजिए। बाहर निकलिए, खुद के लिए बोलना सीखिए, क्योंकि आप ही अपने जीवन के नेता हैं, आप खुद की आवाज़ हैं। मैं खुद पे विश्वास करती हूँ, इसीलिए मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। यह जवाब सुनकर हर कोई काफ़ी प्रभावित हुआ। इन्हीं सवालों का जवाब देकर हरनाज संधु ने इस साल का मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब अपने नाम लिया। Well, I think the biggest pressure the youth of today is facing is to believe in themselves, to know that you are unique and that what makes you beautiful. Stop comparing yourselves with others and let's talk about more important things that's happening worldwide. I think this is what you need to understand. Come out, speak for yourself, because you are the leader of your life. You are the voice of your own. I believed in myself and that's why I'm standing here today. Thank you. आपको बता दें कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने के बाद सुंदरियों को ताज पहनाया जाता है। मिस यूनिवर्स को स्कॉलरशिप भी मिलती है। यह स्कॉलरशिप विजेताओं को न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी की तरफ से विजुअल परफॉर्मिंग आर्ट में दी जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मिस यूनिवर्स को एक साल के लिए सैलरी भी दी जाती है। यह सैलरी डॉलर्स में होती है, लेकिन कितनी सैलरी मिलती है इसका खुलासा नहीं किया गया है। मिस यूनिवर्स बनने के बाद दुनिया भर में सोशल वर्क के लिए भी जाना पड़ता है। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन से स्पॉन्सर ट्रैवल अलाउंस देते हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क में साल भर रहने का भी एक अपार्टमेंट भी दिया जाता है। हरनाज के अन्य पुरस्कारों की बात करें तो उन्हें टीनेज के बाद से ही पेजेंट में भाग लेना शुरू कर दिया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि 2017 में उन्होंने मिस चंडीगढ़ 2017 का खिताब जीता। साल 2018 में मिस एमर्जिंग स्टार इंडिया 2018 का खिताब उन्होंने अपने नाम किया। संधु ने 2019 में फिल्म मिस इंडिया पंजाब का खिताब हासिल किया। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआती दौर में ही उन्होंने मिस ब्यूटीफुल स्किन का खिताब भी जीता। वे मिस बीच बॉडी, मिस ब्यूटीफुल स्माइल, मिस फोटोजेनिक और मिस टैलेंटेड की फाइनलिस्ट भी बनी। मॉडलिंग और कई पेजेंट में हिस्सा लेने और जीत हासिल करने के बावजूद भी हरनाज ने पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।